डॉक्टर, मुझे अपनी डिलीवरी नॉर्मल ही करवानी है। मैडम, मेरी डिलीवरी नॉर्मल तो हो जाएगी ना, कहीं सिजेरियन ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। मैडम, मुझे उन डॉक्टर ने 100% गारंटी के साथ बोला था कि मेरी डिलीवरी 100% नॉर्मल ही होगी और सिजेरियन ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और इसलिए मैडम नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनसे अमूमन हर रोज हम डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट या स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ को अपने ओपीडी चेंबर में दो चार होना पड़ता है। प्रेगनेंसी की शुरुआत के साथ जहां हर प्रेग्नेंट महिला में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ थोड़ी चिंता और थोड़ा तनाव डिलीवरी के प्रोसेस को लेकर भी बन जाता है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी के 9 महीने में लगातार ये तनाव बना रहता है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन ऑपरेशन की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। इतनी सारी चिंता और दुश्वारियों के बावजूद भी बीते दशक में हमारे देश में नॉर्मल डिलीवरी के बनस्पत सिजेरियन ऑपरेशन के केसेस में निश्चित तौर पर वृद्धि हुई है। अगर हम अपने दादी नानी के ज़माने या फिर अपने हमारी मम्मी या सासू माँ के ज़माने की भी बात करें तो उस समय डिलीवरीज लगभग नॉर्मल ही होती थी और सिजेरियन ऑपरेशन की आवश्यकता तो कभी कभार ही पड़ती थी। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि बीते कुछ समय में हमारे देश में नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सिजेरियन ऑपरेशन के केसेस में वृद्धि हुई है? कहीं ये वजह डॉक्टर्स का पैसा कमाना तो नहीं है या फिर उनका कुछ और ही मकसद होता है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बीते कुछ समय में नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सिजेरियन ऑपरेशन के केसेस में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति एंड वेलकम वंस अगेन टू डॉक्टर श्रुतिज चैनल, अ चैनल टू हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। इस चैनल में मैं हर सप्ताह हेल्थ, डाइट, न्यूट्रिशन और फिटनेस से जुड़ी जरूरी जानकारियां शेयर करती हूँ। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो ध्यान से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी जांच पड़ताल आज के लिए। सबसे पहले हम उन कारणों को, उन वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स मरीज को सिजेरियन ऑपरेशन करवाने की सलाह देते हैं, यानी कि इंडिकेशंस फॉर सिजेरियन सेक्शन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टरी भाषा में CPD, यानी कि सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, या फिर आम भाषा में इसको समझा जाए तो मैं यूं समझाती हूं कि अगर गर्भस्थ शिशु या फीटस और डिलीवरी का पैसेज यानी कि पेल्विस, तो गर्भस्थ शिशु और डिलीवरी के पैसेज में अगर अनुपात सही नहीं है, यानी कि अगर गर्भस्थ शिशु का साइज आकार किसी भी वजह से बहुत ज्यादा है या डिलीवरी का पैसेज या पेल्विस बहुत सकरा है किसी भी वजह से, तो ऐसी स्थिति में आप सहज ही समझ सकते हैं कि फीटस डिलीवरी के पैसेज में फंस जाएगा, नहीं निकल पाएगा। और अगर डॉक्टर्स इस स्थिति को पहले ही भांप लेते हैं जांच करके, तो वो अपने मरीज को सिजेरियन ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं। पेल्विस अक्सर उन महिलाओं में सकरा होता है जिनकी हाइट कम होती है, और अक्सर ये देखा गया है कि जिन महिलाओं की हाइट 140 सेंटीमीटर से कम होती है तो उनका पेल्विस नैरो होता है, डिलीवरी का पैसेज सकरा रहता है, और ऐसी स्थिति में पहले ही ऑपरेशन कराने की सलाह दे दी जाती है। दूसरी वजह, गर्भस्थ शिशु या फीटस का बच्चेदानी या यूट्रस के अंदर अबनॉर्मल पोजिशन में होना, डॉक्टरी भाषा में यूं समझिए प्राइमरी विद ब्रीच या ट्रांसवर्स लाई, यानी कि अगर कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट है और डिलीवरी की प्रक्रिया से गुजर रही है और उसका बच्चा अगर उल्टा है, उल्टा से तात्पर्य है कि बच्चे का सर अगर ऊपर है और धड़ नीचे की तरफ है, तो ऐसी स्थिति में डिलीवरी के दौरान, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चे के सर का फंसने का खतरा रहता है जिससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, या फिर बच्चा अगर आड़ा हुआ माँ के पेट के अंदर, तो ऐसी दोनों ही स्थितियों में बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी होना संभव नहीं होता या खतरे से भरा होता है, और ऐसी स्थिति में भी सिजेरियन ऑपरेशन कराने की सलाह दी जाती है। तीसरी वजह, प्लासेंटा प्रीविया Grade 3 और Grade 4। अगर अल्ट्रासोनोग्राफी जांच के माध्यम से डॉक्टर को पहले ही पता चल जाता है कि प्लासेंटा यानी कि बच्चे की आमल की स्थिति बच्चेदानी के मुंह के बिल्कुल पास में है, तो ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश करेंगे
तो ऐसे में माँ को अत्यधिक ब्लीडिंग होने का नॉर्मल डिलीवरी के दौरान खतरा रहता है, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा बन जाता है। और ऐसी स्थिति को भांपते हुए अगर अल्ट्रासोनोग्राफी में प्लासेंटा प्रीविया ग्रेड 3 या ग्रेड 4 आता है तो डॉक्टर आपको सिजेरियन ऑपरेशन कराने की सलाह देंगे आपके और आपके बच्चे की बेहतरी के लिए। चौथी वजह, प्रीवियस टू सिजेरियन सेक्शन। दो सिजेरियन सेक्शन अगर हो गए हैं किसी महिला के तो उसकी बच्चेदानी स्वाभाविक तौर पे कमजोर हो जाती है, और ऐसी स्थिति में अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश की जाए तो बच्चेदानी को नुकसान पहुंचने का, बच्चेदानी के फटने का खतरा रहता है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। और इसलिए अगर किसी महिला के पहले ही दो ऑपरेशन हो चुके हैं तो तीसरी बार उनको ऑपरेशन करा के बच्चा बंद करने का, यानी कि नसबंदी ऑपरेशन साथ में ही कराने की सलाह दी जाती है। माँ की दृष्टि से एक और प्रमुख वजह आज के समय में एल्डरली प्राइमी और एल्डरली एज। बदले सामाजिक परिवेश में अब महिलाएं देर से शादी करती हैं और देर से बच्चा होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी महिला की उम्र पहले बच्चे के दौरान 30 साल या 30 साल के ऊपर है तो प्रेगनेंसी के साथ साथ और कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति में भी पहले ही सिजेरियन ऑपरेशन कराने की सलाह दी जाती है। गर्भ शिशु की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण वजह, मान लीजिए कि कोई महिला नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया से ही गुजर रही है और डॉक्टर को उम्मीद है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और आखिरी के स्टेजेस में ही है, बच्चा में बिल्कुल नीचे की तरफ महसूस हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बच्चे का सर अगर किसी भी वजह से फंस गया है और बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस, बच्चे को डिस्ट्रेस हो रहा है जो कि बच्चे की धड़कन के माध्यम से समझ में आता है। मान लीजिए बच्चे की धड़कन बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, या बच्चे ने माँ के पेट के अंदर लैटरिन कर दी है और ये खतरा बना हुआ है कि बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है या पी सकता है, तो ऐसे में बच्चे की जान को अत्यधिक खतरा होता है। और ऐसी स्थिति में चाहे नॉर्मल डिलीवरी के आखिरी की स्टेजेस भी हो या पहले ही अगर हमें पता चल जाए कि फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, गर्भ शिशु को किसी भी प्रकार का खतरा बना हुआ है, तो डॉक्टर सीधे सिजेरियन ऑपरेशन की सलाह देते हैं बच्चे की बेहतरी के लिए। इनके अलावा प्रेगनेंसी के साथ साथ अगर महिला को किसी भी प्रकार के और भी हाई रिस्क फैक्टर्स हो, कोई और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो, मान लीजिए कि उसका ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान लगातार बढ़ा हुआ है और समुचित इलाज लेने के बावजूद और रेस्ट करने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर अत्यधिक बना हुआ है, जिससे कि माँ को झटका आने का और भी खतरे हो सकते हैं, गर्भ शिशु को भी खतरा हो सकता है, या कोई भी और हाई रिस्क फैक्टर्स हो, कोई भी और कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स हो, तो भी डॉक्टर्स ये प्रिफर करते हैं कि महिला का सिजेरियन ऑपरेशन ही करा जाए माँ और बच्चे दोनों की बेहतरी के लिए। आइए अब उन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं कि बीते कुछ सालों में सिजेरियन ऑपरेशन के केसेस में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी आखिर क्यों हुई है। सबसे पहली वजह, बदली सामाजिक व्यवस्था। बदली सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ जहां पर लड़कियां और महिलाएं अब उच्च शिक्षा की तरफ अग्रसर हो गई हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी डिग्रियां लेती हैं, अपने लिए एक प्रॉपर नौकरी तलाशती हैं, और जो नौकरी में पूरी तरह सेटल हो जाती है तभी वो शादी को तवज्जो देती है, और इस पूरी प्रक्रिया में उनकी उम्र बढ़ जाती है, और जब देर से शादी होती है फिर देर से प्रेगनेंसी होती है, तो ये इन इटसेल्फ एक हाई रिस्क फैक्टर, एक कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि 30 साल की उम्र के उपरांत कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो और डिलीवरी की प्रक्रिया से गुजर रही है तो ये एक हाई रिस्क फैक्टर होता है, जिसकी वजह से सिजेरियन ऑपरेशन कराने की सलाह दी जाती है। हमारी दादी नानी मम्मी सासू माँ के ज़माने में जल्दी शादियाँ होती थी, जल्दी बच्चे होते थे, तो ये कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं रहता था और इसलिए उस समय नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा होती थी। दूसरी वजह, बीते कुछ सालों में, बीते दशक में विज्ञान और तकनीक में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इसका हमें बहुत ज्यादा फायदा मिला है कि हम डॉक्टर्स पहले ही गर्भ शिशु या फीटस की स्थिति को जांच के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हमें किसी भी वजह से लगता है कि फीटस की जान को खतरा हो सकता है या अभी भी फीटस कॉम्प्रोमाइज है, ये फीटस की जान को अभी भी खतरा है, तो ऐसी स्थिति में पहले ही डॉक्टर्स आपको सिजेरियन ऑपरेशन कराने की सलाह दे देते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से बच्चे की स्थिति पता चल सकती है, कलर डॉप्टर के माध्यम से पता चल सकता है कि बच्चे की जान को खतरा तो नहीं है, बच्चे की गले में नाल तो नहीं लिपटी हुई है। ये सब हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सिजेरियन ऑपरेशन के केसेस बढ़ जाते हैं। हमारी मम्मी दादी नानी इन सब के ज़माने में ये सब तकनीक नहीं होती थी, इस वजह से घर में बहुत डिलीवरीज होती थी, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उस समय मातृ मृत्यु दर यानी मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा होता था। बच्चे कई कई होते थे, बच्चे बहुत मरते भी थे, माएँ भी बहुत मरती थीं, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसकी बजाय हमारा उद्देश्य स्वस्थ शिशु और स्वस्थ माँ होना चाहिए। तीसरी प्रमुख वजह, सेरेब्रल पाल्सी।
सेरेब्रल पाल्सी को सबसे पहले मैं आपको एक आम भाषा में समझाती हूँ। ये हम सब भी जानते हैं कि बच्चे के जन्म के साथ ही उसका तुरंत ही रोना अति आवश्यक होता है, क्योंकि रोने के साथ ही वो पहले ही अपनी लंबी सांस खींचता है और इस सांस के माध्यम से उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुँचता है, जो उसकी पूरी जिंदगी को डिसाइड करता है, सबसे ज़्यादा अहम फैक्टर होता है। अगर बच्चा किसी भी वजह से जल्दी नहीं रोता है या देर से रोता है तो उसके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से उसको जिंदगी भर शारीरिक विकलांगता या मानसिक विकलांगता का सामना करना पड़ सकता है, जो उस बच्चे के लिए तो दुखदायी रहेगा ही जीवन भर, साथ ही साथ पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी त्रासदी बन जाती है। हमने अक्सर अपनी प्रैक्टिस में यह देखा कि डॉक्टर्स तो फीटल डिस्ट्रेस को भांपते हुए, गर्भस्थ शिशु को खतरे में भांपते हुए सिजेरियन ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं, लेकिन मरीज या मरीज के रिश्तेदार, विशेषकर माएं और सासू मां पीछे पड़ जाती हैं कि हमें तो नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। और ऐसी स्थिति में हम उनसे लिखवा तो लेते हैं कि हम आपकी जिम्मेदारी पर नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में कई बार नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाती है लेकिन बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जिंदगी भर शारीरिक विकलांग का शिकार हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो सकता है, या फिर उसके माइलस्टोन्स डिलेड हो सकते हैं, यानी कि उसको चलने, फिरने, उठने, बैठने, बोलने में उसकी देरी हो सकती है। ये एक तरह की विकलांगता ही है, यानी कि सेरेब्रल पाल्सी, जो बहुत ज़्यादा दुखदायी साबित हो सकती है। इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर्स आपको पहले ही सिजेरियन ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं, अगर उनको किसी भी वजह से माँ या बच्चे की जान को खतरा महसूस हो रहा है। अब मैं आप सभी को बहुत संक्षिप्त में हमारी MS ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी यानी कि MS की डिग्री के बारे में बताना चाहूंगी। ये तो सर्वविदित ही है कि डॉक्टरी की डिग्री पाने के लिए बुद्धिमता और प्रतिभा के साथ साथ अथक परिश्रम, गहन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो हमारी 3 साल की रेसिडेंसी होती है, जब हम MS ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे होते हैं, इसमें हर रेसिडेंट को तकरीबन 24 से 36 घंटे की ड्यूटीज लगातार आए दिन करनी पड़ती है, तो कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। इस दौरान हमें तकरीबन 10 से 15 ऐसे ऑपरेशन सिखाए जाते हैं जो हम आए दिन अपनी प्रैक्टिस में करते रहते हैं। सिजेरियन ऑपरेशन उन ऑपरेशंस में से मात्र एक ही ऑपरेशन होता है, और भी ऑपरेशंस होते हैं, ज़्यादा बड़े ऑपरेशंस होते हैं या छोटे ऑपरेशन होते हैं, वो भी पैसा कमाने का जरिया होते हैं। क्या आपको लगता है कि एक डॉक्टर जिसने इतनी कठिन परिश्रम के बाद अपनी डॉक्टरी की डिग्री कमाई है, जो उसकी ज़िंदगी भर की पहचान है, जो उसकी रोजी रोटी है, वो महज चंद रुपयों के लालच में उस डिग्री को खतरे में डालना चाहेगा और अपनी रोजी रोटी को संकट में डालना चाहेगा? जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जिस तरह परिवार वाले अपने मरीज के लिए चिंतित होते हैं, उसकी परवाह करते हैं, देखरेख करते हैं, उसी तरह का लगाव और उसी तरह के देखरेख हर डॉक्टर को अपने मरीज के साथ 9 महीने के अंतराल में एक लगाव बन जाता है, और इसलिए वो डॉक्टर अपनी नैतिक जिम्मेदारी और प्रोफेशनल जिम्मेदारी भी समझता है कि उसको आपको एक हेल्दी मदर और एक हेल्दी बेबी देना है। और इसलिए डॉक्टर्स कई बार आपको सिजेरियन ऑपरेशन की सलाह देते हैं, ताकि आपको स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु दोनों मिल सके। अब मैं बात व्यक्तिगत तौर पे करती हूँ। मेरी खुद की 2 डिलीवरी सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान ही हुई हैं, और इसके दौरान, सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान या उसके बाद भी मुझे किसी प्रकार की कोई कमजोरी और कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं हुआ था। अगर मैं अपने आसपास नजर दौड़ाती हूँ तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे आसपास डॉक्टर्स हैं, उनमें से तकरीबन 70-90% लोगों की डिलीवरी सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से ही होती हैं। ये इस तथ्य को दरकिनार करते हुए कि हमें ऑपरेशन के दौरान कोई फीस नहीं देनी पड़ती, कोई डॉक्टर हमसे ऑपरेशन का पैसा नहीं लेता है, इसके बावजूद डॉक्टर्स की डिलीवरी 70-90% सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से ही होती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं कि सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल्ड होती हैं, हमारे हाथ में होती हैं, और माँ और बच्चे की जान को थोड़ा सा कम खतरा होता है नॉर्मल डिलीवरी के बनिस्पत। नॉर्मल डिलीवरी एक बहुत ही जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके बारे में पूरी तरह से 100% दावेदारी के साथ कुछ भी कहना झूठी होगा। जो लोग भी दावेदारी करते हैं कि 100% गारंटी है कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो जाएगी, वो बिल्कुल भी सत्य नहीं बोल रहे होते हैं। हम डॉक्टर्स इस सत्य को जानते हैं और इसीलिए माँ और बच्चे की बेहतरी के लिए उनको कम खतरनाक स्थिति में डालते हुए, यानी कि ज़्यादा सेफर ऑप्शन चूज करते हैं। डॉक्टर्स अपना खुद का भी सिजेरियन ऑपरेशन कराना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चलते चलते
अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि विश्वास ही वो डोर है जो एक डॉक्टर और पेशेंट के रिश्ते को मजबूत करती है। सबसे पहले आप अपने लिए प्रॉपरली क्वालिफाइड, प्रॉपरली ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट या स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ का चयन करिए और फिर उनके ऊपर पूरा विश्वास बनाकर उनके साथ 9 महीने चलिए और उन डिलीवरी का निर्णय आप उन पर छोड़ देंगे तो वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बेस्ट निर्णय होगा। आपको ये समझना होगा कि आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार मेडिकल साइंस में ट्रेंड नहीं है, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ना जाए, अपने डॉक्टर पे विश्वास बना के रखें, तभी आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद रहेगी। मैं अपने मरीजों को अक्सर एक बात कहती हूँ, वही बात यहाँ पर दोहराना चाहूंगी कि मेरा उद्देश्य ना तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवाना है ना ही आपका सिजेरियन ऑपरेशन करना है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, यानी कि हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी। मैं ये चाहूंगी कि मेरा जो भी मरीज हो वो स्वस्थ शिशु और स्वस्थ माँ, यानी कि हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी के रूप में ही घर लौटे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कुछ भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगी आप सबसे अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। एक बार फिर से याद दिला दूं कि मेरा नाम डॉक्टर श्रुति है और आप ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड बाय बाय फॉर नाउ।